कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास फाइनली आ चुका है पोको X3 Pro, जो कि सिर्फ 19,000 की प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 860 देता है, जो कि एक अमेजिंग प्रोसेसर है और अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 40 फीचर्स जिनकी मदद से आप इस फोन को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो फोन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज बता दूं कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 के साथ आता है, लेकिन इसमें जो कंट्रोल सेंटर का आपको डिजाइन दिया गया है वो MIUI 11 वाला है। हालांकि इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पर नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर, यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप न्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ मॉडर्न और थोड़ा फ्रेश लुकिंग डिजाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा फीचर दोस्तों, ये एक ऐसी चीज जो कि बाय डिफॉल्ट आपको डिसेबल करके दी गई है, वो है इस फोन का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जो कि 120 हर्ट्ज का आपको मिलता है। लेकिन उसको एनेबल करने के लिए अगेन से आपको सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट में जाना होगा और यहाँ पर 60 की जगह आपको 120 हर्ट्ज सेलेक्ट कर देना है। और बेसिकली जब आप स्क्रॉल करते हैं तो अगर आप बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चीज को यहाँ से एनेबल कर दीजिएगा। उसी के साथ दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इस फोन में आपको ऐप ड्रॉअर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर कैटेगरीज भी आपको दी गई है, इसको आप काफी ज्यादा एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 3 बार्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉअर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप सजेशंस को डिसेबल कर सकते हैं, आप आइकन्स को कलर के हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड और आइकन का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। MIUI 12 में दोस्तों फाइनली आपको फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट भी मिल गया है, जिसको आप कोई भी नोटिफिकेशन के लिए ओपन कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट मुझे इस फोन में देखने के लिए नहीं मिला। Redmi Note 10 सीरीज में मैंने नोटिस किया, जब आप इसको लॉन्ग टैप करते हैं रिसेंट्स में किसी भी एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है अगर आप फ्लोटिंग विंडोज में ओपन करना चाहते हैं। वो वाला ऑप्शन अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इसको फ्लोटिंग विंडो के फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है उसको आप डायरेक्टली इस तरीके से नीचे स्क्रॉल कीजिए और वो एक फ्लोटिंग विंडोज के फॉर्म में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोन में दोस्तों आपको अपडेटेड डार्क मोड भी मिल जाता है, मतलब कि थोड़ा एडवांस डार्क मोड है। अगर आप डार्क मोड को यहाँ पर एनेबल करके सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर मोर डार्क मोड ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो आप वॉलपेपर्स और टेक्स्ट और बैकग्राउंड इन सब चीजों को भी डार्क मोड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इस फोन में दोस्तों आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग और वाईफाई कॉलिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप डायलर में रैंडमली कोई भी नंबर डायल करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको वीडियो कॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप एक मल्टी इनेबल्ड सिम यूज करते हैं। उसी के साथ सेटिंग्स में अगर आप सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के अंदर अपना सिम सेट करेंगे तो यहाँ पर आपको वाईफाई कॉल्स को इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस फोन में दोस्तों आपको डायरेक्ट वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब कि जब आपका वाईफाई ऑन है तो आप हॉटस्पॉट भी ऑन कर सकते हैं, मतलब कि जो आप वाईफाई पर कनेक्टेड हैं उसको आगे अपने फोन की मदद से शेयर कर सकते हैं। इस फोन में दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपको काफी ज्यादा एक अपडेटेड देखने के लिए मिलता है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं और सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है वो आप फुल HD में 100 Mbps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर फ्रेम रेट को आप 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर अगर आप राइट की तरफ स्वाइप करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक अजीब सा ऐप वो देखने के लिए मिलता है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है और Xiaomi का अपना है, लेकिन आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने के लिए सेटिंग्स में आपको जाना है, होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप कीजिए, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर होम स्क्रीन के अंदर टर्न ऑन ऐप वोल्ट को यहाँ से बंद कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं वो जो ऐप वोल्ट था वो यहाँ से डिसेबल हो चुका है। इस फोन में दोस्तों आपको नियर बाय शेयरिंग का फीचर भी मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड का एक नेटिव फीचर है, लेकिन आज के टाइम पे काफी ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं। बेसिकली किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ती, हर एंड्रॉइड फोन में आज के टाइम में आपको ये देखने के लिए मिलता है और इसकी मदद से आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस फोन में दोस्तों आपको स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रोल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे फोन ऑटोमेटिकली स्क्रोल करना शुरू कर देगा। जहाँ तक आपको कैप्चर करना है वहाँ तक स्क्रोल कीजिए, डन के ऊपर क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। MIUI 12 का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स का है दोस्तों,
सेटिंग्स के अंदर अगर आप स्पेशल फीचर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो टूल बॉक्स देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर वाइडपोर्ट एनेबल्ड है, लेकिन आपको एप्लीकेशंस चूज करनी होगी जिन भी एप्लीकेशंस में आप कोई भी वीडियोस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यूट्यूब को एनेबल करके उसके बाद यूट्यूब के अंदर जाता हूँ और कोई भी वीडियो प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक अमेजिंग ऑप्शन आपको प्ले वीडियो साउंड विद स्क्रीन ऑफ का देखने के लिए मिलता है। मतलब कि एक यूट्यूब प्रीमियम जैसा फीचर है जो कि इस फीचर की मदद से आप यूज कर पाएंगे। आप स्क्रीन बंद करके वीडियो का सिर्फ साउंड सुन सकते हैं। अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं या फिर कोई कमेंट्री सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करके बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं सिर्फ वही एप्लीकेशन आपका डाटा यूज करे, मतलब के बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन आपका डाटा यूज ना कर पाए, तो उसके लिए सेटिंग्स में वाईफाई असिस्टेंट के अंदर आपको ट्रैफिक मोड दिया गया है। इसको एनेबल करके अगर आप यहाँ पर एक्सट्रीम मोड चूज करेंगे तो आपका फोन बैकग्राउंड में किसी भी एप्लीकेशन को डाटा यूसेज का परमिशन नहीं देगा। सेटिंग्स के अंदर अगर आप लॉक स्क्रीन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको रेस टू वेकअप और डबल टैप टू वेकअप जैसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आपका फोन लॉक है तो डायरेक्टली किसी सरफेस से उठा के आप उसको वेकअप कर सकते हैं या फिर डबल टैप करके भी आप अपने फोन को वेक कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर ही आपको एक अमेजिंग ऑप्शन ग्लांस फॉर एमआई का भी मिलता है। इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली वॉलपेपर्स चेंज होते रहेंगे। आप यहाँ से इमेज कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी न्यूज वगैरह भी वो दिखाता रहता है तो कभी कभी वो एड्स की तरह लग सकता है, उस केस में आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर ही एक और अमेजिंग ऑप्शन आपको लॉक स्क्रीन क्लोक फॉर्मेट का मिलता है। लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लोक किस तरीके से आपको देखना है इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो काफी ज्यादा मॉडर्न सा दिखता है। उसी के साथ लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो अगर आप कोई मैसेज यहाँ पर एड करना चाहती है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर एक और अमेजिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉन्च कैमरा का देखने के लिए मिलता है। लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर आप वॉल्यूम डाउन की को दो बार प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्टली कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं वॉल्यूम डाउन की को दो बार प्रेस करूंगा कैमरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस फोन में अमेजिंग रीडिंग मोड भी आपको देखने के लिए मिलता है। सेटिंग्स के अंदर अगर आप डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको रीडिंग मोड ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन पेपर मोड का मिलता है। बेसिकली फोन की स्क्रीन में थोड़ा टेक्सचर ऐड कर देता है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इवन आप इस टेक्सचर को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं और कलर टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कलर्स को आप ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं जब आप अपने फोन के ऊपर कुछ रीडिंग करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए। दोस्तों इस फोन में वाइडपोर्ट आपको स्टेटस बार में नेटवर्क स्पीड देखने के लिए नहीं मिलता। उसको एनेबल करने के लिए सेटिंग्स में नोटिफिकेशन में आप स्टेटस बार के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर शो कनेक्शन स्पीड को अगर आप एनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्शन स्पीड शो होना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ बैटरी इंडिकेटर को अगर आप आइकन के बाहर देखना चाहते हैं वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों आप इस फोन में डबल टैप टू लॉक का फीचर भी यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए आपको सेटिंग्स में होम स्क्रीन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक स्क्रीन का फीचर मिलता है जिसको आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद होम स्क्रीन के ऊपर कहीं भी खाली जगह में अगर आप डबल टैप करेंगे फोन डायरेक्टली लॉक कर सकते हैं, आपको पावर की को प्रेस करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस फोन में थीम्स वॉलपेपर्स या फोन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए थीम स्टोर भी इंटरनली दिया गया है। सेटिंग्स के अंदर अगर आप थीम्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर काफी सारी फ्री थीम्स वॉलपेपर्स रिंगटोन्स और फोन्स डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलता है। मैंने भी इस फोन में एक फोन डाउनलोड करके यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ जो कि काफी अमेजिंग दिख रहा है। आप भी इस तरीके से काफी सारे नए नए फोन्स यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक और अमेजिंग ऑप्शन जो इस फोन में आपको मिलता है वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड। आप इस फोन में मल्टीपल फेस अनलॉक सेटअप कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं यहाँ पर फेस अनलॉक को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर और फेसेस का डाटा भी ऐड कर सकता हूँ। मतलब अगर एक से ज्यादा लोग फोन को यूज करते हैं तो दोनों लोग भी अपना फेस अनलॉक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक और सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन का देखने के लिए मिलता है। अगर आप चाहें तो इस फोन में अपनी फाइल्स को भी हाइड कर सकते हैं। फोटोज नोट्स या फाइल्स कोई हाइड करना चाहते हैं उसके लिए जस्ट आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड को सेटअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी फोटोज फाइल्स और नोट्स को हाइड कर पाएंगे। सेटिंग्स के अंदर अगर आप एप्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको डुअल एप्स का फीचर भी मिलता है। मतलब कि अगर आप एक एप्लीकेशन के दो अकाउंट्स अपने फोन में यूज करना चाहते हैं तो फोन उस एप्लीकेशन का एक क्लोन क्रिएट कर देगा। एक जैसे दो एप्लीकेशन आपको दिखेंगी और दोनों एप्लीकेशन के अंदर आप अपने डिफरेंट अकाउंट्स यूज कर सकते हैं और बेसिकली आप किसी भी एप्लीकेशन का डुअल ऐप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एप्स के अंदर ही आपको एक अमेजिंग ऑप्शन ऐप लॉक का भी देखने के लिए मिलता है।
फाइल्स की तरह अगर आप अपने एप्स को हाइड करना चाहते हैं, उनको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज यहाँ पर आप ऐप लॉक की मदद से कर सकते हैं। अगर आप फुल स्क्रीन जेस्टर्स अपने फोन पर यूज करना चाहते हैं, मतलब जेस्टर नेविगेशन यूज करना चाहते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले के नाम से। इसके अंदर यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन जेस्टर्स को इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके बाद आप इस तरीके से जेस्टर की मदद से अपने फोन को कंट्रोल कर पाएंगे। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर ही एक और अमेजिंग ऑप्शन आपको बटन शॉर्टकट्स का भी मिलता है। यहाँ पर काफी सारे शॉर्टकट्स सेटअप करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट बटन की मदद से अगर आपको शॉर्टकट परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो चीजें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर एक और अमेजिंग चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कि आज के टाइम पे बहुत कम फोन्स में आपको मिलता है। इस फोन में आपको नोटिफिकेशन एलईडी लाइट भी मिलती है, जो कि यहाँ पर स्पीकर के अंदर है, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है लेकिन काफी अच्छा काम वो कर देती है। यहाँ पर आप उसको चूज कर सकते हैं अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं या नहीं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर ही आपको किप बोल का फीचर भी मिल जाता है। अगर आप इसको एनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके की एक बोल देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर आप काफी सारे शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट शॉर्टकट्स यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगेन शॉर्टकट्स और ऐड करने के लिए आप किप बोल को भी यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप स्पेशल फीचर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको गेम टर्बो का फीचर भी मिल जाता है। अगर आप गेमिंग असिस्टेंट अपने फोन में यूज करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं, तो ये फोन तो गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा खास भी है, क्योंकि काफी तगड़ा प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आप गेमिंग के लिए कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए, कॉल्स की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, बेसिकली आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए और गेमिंग का एक्सपीरियंस आप उसकी मदद से बेहतर कर सकते हैं। स्पेशल फीचर्स के अंदर ही एक और अमेजिंग फीचर आपको सेकंड स्पेस का भी देखने के लिए मिलता है। अगर एक ही फोन को दो लोग यूज करना चाहते हैं तो आप दो स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं, दोनों के लिए डिफरेंट पासवर्ड रहेगा, तो बेसिकली दोनों का डाटा प्राइवेट रहेगा और दोनों स्पेसेस में एप्स, डाटा, फाइल्स, सारी चीजें डिफरेंट रहेंगी, तो एक ही फोन को दो लोग काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। इस फोन में कैमरा से रिलेटेड भी काफी सारी अमेजिंग ऑप्शंस आपको दी गई हैं। सबसे पहले अगर आप कैमरा के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप 48 मेगापिक्सल मोड, अल्ट्रा वाइड मोड या फिर मैक्रो मोड यूज कर सकते हैं, और अल्ट्रा वाइड और मैक्रो मोड आप वीडियोस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। वीडियो के अंदर अगर आप इस आइकन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड यूज कर पाएंगे, अगर आप 3 बार्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्रो लेंस यूज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों इस फोन में आपको फोटोज और वीडियोस के लिए मूवी फ्रेम का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। मूवी फ्रेम की मदद से आप साइड में इस तरीके की ब्लैक लाइंस ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आप कोई वीडियोस शूट करते हैं तो काफी ज्यादा सिनेमैटिक दिखती हैं। इसको जरूर से आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियोस के अंदर एक और अमेजिंग फीचर यहाँ पर आपको 3 बार्स के अंदर ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट का भी दिया गया है। अगर आप किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को वीडियो में कैप्चर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अच्छे से फोकस में रहे, वो चीज अच्छे से आप मोशन ट्रैकिंग कर पाएं, तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। इस फोन में दोस्तों पोर्ट्रेट मोड के लिए भी काफी अमेजिंग फिल्टर्स आपको दिए गए हैं, कलर इफेक्ट्स आप बोल सकते हैं। पोर्ट्रेट के अंदर अगर आप इस ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर काफी डिफरेंट तरीके के लाइटिंग इफेक्ट्स हैं। अगर आप अच्छी लाइटिंग में पोर्ट्रेट फोटोज के लिए इसको यूज करते हैं तो काफी अच्छा इफेक्ट ये दे सकते हैं। अगर आप मोड के अंदर जाते हैं तो काफी सारे अमेजिंग मोड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको डुअल वीडियो का मोड मिलता है। अगर आप फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों से एक टाइम पर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, व्लॉगिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो ये फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है। उसी के साथ यहाँ पर आपको एक क्लोन मोड देखने के लिए मिलता है। अगर आप फोटोज या वीडियोस में अपना क्लोन क्रिएट करना चाहते हैं या फिर खुद को फ्रीज करना चाहते हैं काफी जगह पर, ये चीज आप क्लोन मोड की मदद से आसानी से कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको एक व्लॉग मोड देखने के लिए मिलता है। फोन अपने आप ऑडियो और कुछ इफेक्ट्स लगा के काफी अमेजिंग लुक आपके वीडियो को देता है, लेकिन उसके लिए बस आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स कैप्चर करने होते हैं। स्लो मोशन अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको स्लो मोशन का फीचर भी मिल जाएगा, और मैक्सिमम आप इस फोन में 960 FPS तक का स्लो मोशन कैप्चर कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्लो कर देता है, काफी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। इस फोन में आप शटर बटन को लॉन्ग प्रेस करके भी काफी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 3 बार्स के ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रेस एंड होल्ड शटर बटन का ऑप्शन मिलेगा, और इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं। आप इसकी मदद से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बस्ट फोटो शूट कर सकते हैं, या फिर फोकस करने के लिए भी इस बटन को यूज कर सकते हैं। इस फोन में दोस्तों आपको प्रो मोड वीडियोस के लिए भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप प्रो मोड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको फोटोज के साथ साथ वीडियोस के लिए भी यूज करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप अपने फोन से प्रोफेशनल वीडियो शूट करना चाहते हैं, बेसिकली वाइट बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड, ISO स्पीड, ये सारी चीजें आप मैनुअली अपने फोन में कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस और ज्यादा देखना चाहते हैं। इस वीडियो को देख